इलाके करमपुर से है और मैंने रेस्क्यू 112 को 2010 में ज्वाइन किया, जब जुलाई 2010 को ज्वाइन किया और मैंने एज अ फायर फाइटर के तौर पर ज्वाइनिंग ली। जाहिर है मुझे खुशी होती है और काम करते हुए भी खुशी होती है जब, और ना जब लोग मुझे ताशी नज़रों से देखते हैं कि ये लड़की एशिया की पहली फायर फाइटर है और एज अ फायर फाइटर हमारी मदद कर रही है। लोगों के जो तासुरात होते हैं वो माशरे की अकासी करते हैं, लेकिन जब उनका काम करते हैं, जब हम फायर फाइटिंग करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, उनकी जानों माल की हिफाजत करते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस पर हमें खुद भी खुशी होती है, ताकि उन लोगों की हम जानों माल की हिफाजत कर रहे हैं और उन लोगों को खुशी होती है। रेस्क्यू 112 में एज अ फायर फाइटर मेरा एक शौक था, क्योंकि मैं एक हर हट के काम करना चाहती थी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो डीए या डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग फीमेल शोबे में कम आती हैं, इस स्टडी में कम आती हैं। और इसके अलावा जब मुझे पता चला कि फायर रेस्क्यू 112 में वैकेंसीज आई हैं और इन लोगों ने सीट्स के मुझे रिवॉर्ड किया, तो उसमें फायर फाइटर की सीट थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे रेस्क्यू 112 में रेस्क्यू 112 के अलावा पाकिस्तान में भी किसी ने भी फायर फाइटर की जो फील्ड है वो ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए मैंने ना फायर फाइटर को ऐसा चैलेंज समझने को मैंने ज्वाइन किया। वैसे भी ऑफिस में भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, जब हम फील्ड में एमरजेंसी डील करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और हम मिलजुल कर वहाँ काम करते हैं और अच्छी तरीके से तमाम काम सर अंजाम देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो उन लोगों हमारे मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स का और फील्ड में जो लोग होते हैं उनका बहुत अच्छा मतलब कि रवैया होता है। उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप वो भी इस फील्ड में आएँ और आगे मर्दों को शाना काम करें, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MBS पाकिस्तान और मैं हूँ मोहम्मद यासीन खान। बिल्कुल आपने इंट्रो देख लिया होगा, और जहाँ बहुत सारी पाकिस्तान के लिए नेगेटिव न्यूज़ें आ रही होती हैं, अजीब गरीब किस्म की चीज़ें वायरल हो रही होती हैं। अभी लास्ट ही दो सेशन मैंने किए हैं वीडियोस के, जिसमें कुछ वायरल वीडियोस की लड़कियों के, उस पर मैंने बात की थी। तो वहाँ बहुत सारी हिम्मत वाली मेहनत कश ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनको फ़ख्र पाकिस्तान या पाकिस्तान की बेटी कहा जाए तो कम ना होगा। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ पंजाब के ज़िला बिहाड़ी की तहसील मेलसी के एक छोटे से इलाके करमपुर की शाजिया परवीन की। शाजिया परवीन करमपुर में रहती हैं, 8 बहन भाई हैं इनके। वालिद साहब इनके रिटायर्ड आर्मी, मतलब आर्मी में थे, उससे रिटायर हुए थे, और उन्होंने अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी, जो तालीम दी, उसमें उन्होंने कहा कि मेहनत से घबराना नहीं है और ऐसा काम करना है जिससे लोगों की खिदमत हो। और शाजिया परवीन ने फौरन से फ़ैसला किया कुछ ऐसा डिफरेंट करने का कि जिससे वो अपने माँ बाप के साथ साथ इस मुल्क के पाकिस्तान की भी कोई नाम रोशन कर सके। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की पहली फीमेल फाइटर, फायर फाइटर कहना चाहिए जिसको, जो फायर फाइटर मैं आपको समझा दूँ कि जो आग से लड़ते हैं, यानी कि जो हमारी पंजाब में रेस्क्यू 111-122 है, कराची में डिफरेंट है, तो वो जो फायर फाइटिंग करते हैं उनको दुनिया भर में वो बड़े हीरोज़ कहलाते हैं जो फायर फाइटर होते हैं। तो पाकिस्तान की तो इनको पहली खातून कहा जाएगा, और मेरे ख्याल में एशिया में भी अब तक, शायद मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस एशिया को भी अगर देखा जाए तो शायद, मैं अगर सही हूँ तो मुझे अभी तक ऐसी कोई फीमेल फायर फाइटर की, यूरोप अमेरिका में तो होंगी लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक कोई ऐसी नहीं सर्च में मिली। तो मेरे हिसाब से अगर ये कहा जाए कि एशिया की, तो ये एजाज़ शाजिया परवीन के पास है, जहाँ पाकिस्तान में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, बहुत अजीब और गरीब सी खबरें आती हैं, कभी कुछ होता है, और मैं ही वो खबरें आपके तक शेयर कर रहा होता हूँ। भी लास्ट ही कुछ दिनों पहले मैंने पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार्स की मैंने बहुत अजीब और गरीब सी खबरें कि उनकी वीडियोज़ वायरल हो गई और वो सब हो गई। यहाँ एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने सारे मर्दों के बीच में एक खातून, उन्होंने जाके पूरी ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग के बाद वो बिहाड़ी के फायर स्टेशन पे काम करती रहीं, और फिर वहाँ से उनको पोस्ट किया गया लाहौर में, और इस वक्त वो एक अच्छे ओहदे पर काम कर रही हैं और हर तरह के
जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको साथ में जाती हैं, फायर फाइटिंग के तमाम चीज़ें, और माशाल्लाह से आप ट्रेन भी कर रही हैं लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से इलाके, शायद बहुत सारे लोगों ने ये नाम ही पहली बार सुना हो, और ये इलाका ही बिहाड़ी को तो जानते होंगे, मेलसी को जानते होंगे, लेकिन ये जो इलाका जहाँ की ये रिहायशी है इसका नाम ही शायद आपने पहली बार सुना हो। तो बस इसी तरह से होता है कि छोटे इलाकों से मेहनत करने वाली लड़कियाँ आगे, जैसे मैंने आपको कुछ अर्से पहले खातून पाकिस्तान की पायलट और फिर वो खातून फाइटर पायलट उनके बारे में भी बताया, और पहली पाकिस्तान की खातून पायलट शहीद के बारे में बताया, तो ये भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और मैं हमेशा खुश होता हूँ जब मेरे वतन पाकिस्तान की ख़वातीन आगे बढ़ती हैं, कोई अच्छा और पॉजिटिव काम करती हैं और जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। यार ये भी तो है ना, ये भी तो हिम्मत वाली ख़वातीन है। तो मेरा बहुत सलाम शाजिया परवीन, तुमने एक बहुत अजीम काम किया, एक बड़ी चीज़ करी जिसमें ख़वातीन क्या मर्द भी नहीं आते, बहुत शादी और नादरी इन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, और ये एक वो काम है जिसका सिला जो है रिटर्न वो यहाँ तो मिलता ही मिलता है और आखिरत में मिलता है, कि कितनी जानें बचाना। आग से लड़ना हर किसी का काम नहीं है, आग से लड़ना फायर फाइटर एक बहुत बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर में इनके बड़े बड़े हीरोज़ होते हैं, इनके बड़े बड़े कारनामे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पाकिस्तान है जहाँ इसको बहुत कम लेवल पे सोचा जाता है, लेकिन वाकई ये अपनी जानों पे खेलकर इंसानों की जानों को बचाते हैं, तो वाकई ये अजीम हीरोज़ कहलाते हैं। और जब ये बात पाकिस्तान की वतन की बेटी के लिए हो और उसके पास ये एजाज़ हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक शाजिया परवीन, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेरे हिसाब से तो एशिया की है। अब ये शायद कोई और निकल आए तो मुझे कोई ब्लेम कर देगी कि आप कैसे कह सकते हो, लेकिन पाकिस्तान की तो कंफर्म फर्स्ट फायर फाइटर लेडी है ये, और बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, मेलसी के लिए, और इनके इलाके के लिए, और अपने बाप के लिए। तो भाई इस तरह का कोई काम करो कि हम भी फ़ख्र से आपके लिए वीडियो बनाएं, ऐसा काम मत करो कि जिसमें हमारे सर शर्म से झुक जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अच्छी या बुरे कमेंट्स जो भी लगे ज़रूर देना, क्योंकि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके पाकिस्तान का नाम इसने फ़ख्र ऊँचा किया है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।